नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अनुष्ठा सिंह। आयशा जिस नाम ने पूरे हिंदुस्तान में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इस देश में बेटी होना गुनाह है, क्या इस मुल्क में एक बेटी अपने सपनों को अपने परिवार के खातिर त्याग देती है। जी हाँ, वही आयशा जिसने साबरमती नदी के बहते उफान में अपने आप को समर्पित कर दिया और आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन अपने पिता लियाकत अली की यादों में आज भी आयशा जिंदा है। आयशा के पिता लियाकत ने अपनी बेटी की याद में कविता लिखी है। लियाकत पेशे से दर्जी है लेकिन कविता लिखने का शौक रखते हैं। ऐसा लगता है इस कविता में उन्होंने अपनी रूह डाल दी हो। सुनिए कैसे लियाकत ने अपने कलम से आयशा के लिए जो लिखा वो इस देश के हर आयशा के पिता की आंखों को नम कर देगा। आयशा मेरी बेटी ही नहीं, मेरे ख्वाबों की ताबीर थी। मुफलिसी में भी लियाकत ने शहजादी की तरह पाला था। मोहल्ले में पढ़ने वाली बच्चियों को तालीम की राह दिखाती थी। कॉलेज में भी अपने सहेलियों को इम्तहान की तैयारी कराती थी। मकसद प्रोफेसर बनकर दिखाना था। मुसलमानों में अपनी बेटियों की तालीम के लिए जुनून जगाना था। जिससे भी मिलती थी वो उससे मुतासिर हो ही जाता था, और होता भी क्यों नहीं। नाम जो मुबारक था, मेरी बेटी समाज में मिसाल बनकर दिखाएगी, हर मजहब की बेटियों को तालीम के लिए जगाएगी। क्या पता था मौत को गले लगाकर सभी के जमीर को यूं जगाएगी। जिनमें कुछ करने की जिद होती है वो हर हाल में राह दिखा जाते हैं, मरकर भी मिसाल बन जाते हैं। मेरी बेटी आयशा को बुजदिल ना समझना जहां वालों, जान देकर भी जहां की हर बेटियों को बचाने की मसाल जलाई है। उसकी मौत को जाया ना जाने देना लोगों। आपके घर में भी कहीं आयशा, कहीं मनीषा, कहीं मंजली तो कहीं मरियम होगी। मजहब के लिए तो बहुत लड़ चुके हो, अब इंसानियत जगाओ, बेटी को बचा लो लोगों। गुजारिश लियाकत की बस इतनी है, खबर अखबार से, सरकार से, बेटी वालों से, तमाम आवाम से आयशा को इंसाफ दिलाना है, कातिलों को सजा दिलानी है। हाँ, जो जालिम उन्हें नसीहत पहुंचानी है। मेरी बेटी आयशा तो मर चुकी है, हर घर की बेटी मेरी आयशा है। हाथ जोड़कर कहता हूँ सभी मजहब के मानने वालों से, बची हुई मेरी बेटियों को बचाना है।